एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉनर्स एकेडमी में। तो चलिए देखते हैं हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे तीन कानून जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, इन तीनों के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शंस हटाए गए हैं और कौन कौन से नए ऐड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। ये लॉयर्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ही कानून की जानकारी रखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से अपराधियों के लिए भी जरूरी है देखने, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनके किस क्राइम की क्या पनिशमेंट हो गई है। आप ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे बदलाव लाए गए हैं इन तीन कानूनों के अंदर, आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है जिसका। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आईपीसी 1860 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, देखिए इसका तो सबसे पहले इसका नाम इनका चेंज कर दिया गया है। आईपीसी का नाम बदल के भारतीय इंडियन पिनल कोड, इसका नेम बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया गया है। सीआरपीसी 1898 का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रख दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम वही है, लेकिन क्लियर चेंज हो जाएगा 2023, क्योंकि इनके बिल पेश किए गए हैं राज्यसभा के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बिल पे इनके सबसे पहले नाम बदल दिए गए हैं। अब इनके अंदर बदलाव क्या क्या हुए हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बोला गया है कि जैसे कि मॉब लिंचिंग होता है, जैसे भीड़ इकट्ठा करके और लोग भीड़ इकट्ठा करके और दंगा फसाद कर देते हैं, घर लूटते हैं, आग जलाते हैं, देश की संपत्ति, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है, जैसे आजकल देश में आप बहुत देख रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो इस चीज़ के ऊपर डेथ पेनल्टी लगा दी है, डेथ सेंटेंस, जो भी लोग अब मॉब लिंचिंग करेंगे भीड़ के द्वारा इकट्ठे होके, 5 से ज़्यादा लोग जितने भी इकट्ठे होके जो भी ऐसा कार्य करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, देश की संपत्ति का या लोगों का नुकसान करेंगे या किसी को मारेंगे, ऐसा कोई भी करेंगे तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरा है रेप विद माइनर, जैसे कि छोटी बच्ची के साथ, 18 साल की बच्ची से छोटी बच्ची के साथ में कोई भी अगर रेप करेगा उसकी सजा भी मौत की है। पहले सजा 7 साल या 10 साल तक की होती थी, जैसे कि अब इसके अंदर सजाओं के अंदर भी बदलाव लाया गया है, इनमें डेथ सेंटेंस को किया गया है अप्लाई। गैंग रेप अगर होता है 20 साल की इंप्रिजनमेंट है, उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि अगर कोई गैंग रेप करता है किसी महिला या लड़की के साथ में तो उस पर 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद, पूरी जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, ये इसके अंदर है। मॉब लिंचिंग में को डेथ की कैटेगरी में डाल दिया है, इसकी डेफिनेशन को भी डेथ की कैटेगरी में डाला गया है। इससे पहले 7 साल की इंप्रिजनमेंट होती थी, लेकिन अब मैक्सिमम पेनल्टी डेथ की कर दी गई है और फाइन भी लगा दिया गया है इस पर। रेप 18 साल की लड़की के साथ अगर किया जाएगा उस पर भी डेथ पेनल्टी लगा दी है। 18 या उससे कम की बच्चों के साथ कोई भी बलात्कार की घटना अगर होती है, ऐसी यौन शोषण की घटना और बलात्कार खासतौर से होती है, तो उस पर डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंदर एविडेंस एक्ट के लिए से रिलेटेड है ये सेक्शन के, 7 साल से ज़्यादा सजा होने पर फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, उसमें फोरेंसिक टीम का जो एविडेंस होगा वो जाएगी, फोरेंसिक टीम वहाँ पे वहाँ जाके वीडियोग्राफी करेगी, सारे जितने भी एविडेंस होंगे कलेक्ट करेगी, वो सारे कोर्ट में देना अनिवार्य माना जाएगा, उसके बिना केस आगे नहीं बढ़ेगा। लाइव वीडियोग्राफी की जाएगी, कुछ भी होगा, कोई भी क्राइम हुआ है, किसी का भी एविडेंस लेना है, जैसे रेप पीड़िता हो गई या कोई भी अपराध किसी का, उसका लाइव वीडियोग्राफी भी होगी। 170 सेक्शंस होंगे एविडेंस एक्ट के अंदर बताया है, और 23 इसके अंदर चेंज हो गए हैं सेक्शंस, एक नया ऐड किया है और 5 को ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे ही आईपीसी और सीआरपीसी में भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये एविडेंस का बताया, ये इसका, ये इसका, और जो एडिट किए गए हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे देशद्रोह का कानून को ख़त्म कर दिया गया, देशद्रोह का कानून ख़त्म करके अब राजद्रोह कानून की जगह पे अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़े कानून को लाया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। हेट स्पीच अगर कोई देता है, कोई भी अपनी जो भाषण में गलत वर्ड यूज करेगा, जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े मंत्री या कोई भी सांसद कोई भी हेट स्पीच देता है, या कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति भी सोशल मीडिया पे भी किसी को भी हेट स्पीच कर रहा है, उसकी 5 साल की सजा है। ठीक है, सीआरपीसी में अब तक 356 धाराएं थी, पहले अब 356 होगी, पहले 511 थी। ठीक है, अपराध कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अपराध अगर होता है तो उसकी एफआईआर कहीं
कहीं से भी करवाई जा सकेगी और उससे रिलेटेड थाने में, पुलिस स्टेशन में, जगह में, जो भी जहां का भी अपराध होगा, आप अगर दिल्ली में बैठे हैं, अगर दिल्ली में क्राइम हुआ है तो उसकी FIR जो है आप बाहर किसी भी स्टेट से करवा सकते हो। और फिर दिल्ली के अंदर क्राइम हुआ तो 15 दिन के अंदर वो जो है FIR पहुँच जाएगी, दिल्ली के अंदर पहुँच जाएगी, ठीक है, आपको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राजद्रोह कानून का बता दिया। CRPC में 160 सेक्शंस चेंज किए गए हैं, 160 सेक्शंस, 9 सेक्शंस इसमें ऐड किए गए हैं और 9 को खत्म कर दिया गया है, ठीक है, 160 सेक्शंस को चेंज किया गया है, 9 ऐड हुए हैं, 9 खत्म कर दिए गए हैं। हिरासत में लिए जाने पर अब अधिकृत सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर जगह पे पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर भी एक लगाया जाएगा, जैसे कि कोई भी अगर किसी को अरेस्ट करके लाया जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इसको कब, किस दिन, कहां से अरेस्ट करके लाया गया, उसकी पूरी डिटेल एक सर्टिफिकेट के द्वारा बन जाएगी कि इसकी, ताकि लंबी कैद ना की जा सके किसी को भी, और किसी को ये ना हो कि पता ही ना चले बंदा कहां पे कहां नहीं है, उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर बनाया जाएगा, ठीक है। FIR, केस डायरी, चार्जशीट एंड जजमेंट लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी, मतलब जो भी सारा प्रोसेस होगा, FIR करवानी है, केस की डायरी है, चार्जशीट है और जजमेंट तक की, मतलब सारी की सारी जो है सारी डिजिटल हो जाएगी, ऑनलाइन होगी। जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर अंदर उसका ऑर्डर, 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट भी आ जाएगी, सारी प्रक्रिया केस की पूरी होने के बाद 30 दिन में जजमेंट आ जाएगी, जज को देनी पड़ेगी और 15 दिन के अंदर उसको अपलोड भी करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। अपराधियों की सज़ा पूरी सुनिश्चित की जा रही है, सज़ा स्ट्रिक्ट कानून बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके इसका भी प्रावधान किया गया है। जैसे पुलिस अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है, लोगों को कि FIR नहीं लिखती, उनको कॉपी नहीं देती, चार्जशीट बनाने में टाइम लगाती है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगाती है, तो इन सबको भी वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए भी कानून बनाया जा रहा है, ठीक है। IPC के अंदर 511 सेक्शन होंगे, 175 सेक्शंस को चेंज किया गया है और 8 नए सेक्शन ऐड किए जाएंगे IPC के अंदर, 22 सेक्शंस को खत्म किया गया है। जैसे ही इनका नया प्रिंट आउट आ जाएगा उसके अंदर क्या क्या है मैं आपको नए नए सेक्शंस बता दूंगी, कौन से ऐड किए गए हैं, कौन से हटाए, अभी ये बताया जा रहा है, अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्या कितने सेक्शंस ऐड हो रहे हैं, कितने हटाए जा रहे हैं। तो IPC में 511 हो जाएंगे और देखिए 175 सेक्शन चेंज किए गए हैं, 8 ऐड हो गए हैं और 22 को खत्म किया गया है। और छोटे छोटे मामले जो होंगे अब वो समरी ट्रायल से खत्म किए जाएंगे, छोटे छोटे मामले, पैटी केसेस जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उनको समरी ट्रायल से निपटाया जाएगा, ठीक है। एक और भी आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचान छुपा कर जो लोग लड़कियों के साथ रिलेशन बनाते हैं, लिविंग में रहते हैं, अपनी पहचान नहीं बनाते, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी केस चलेगा, उन्हें सजा सख्त मिलेगी। उन लोगों को इससे जो है लव जिहाद पर भी लगाम लगाई जा सकेगी, यह फायदा हो जाएगा ताकि लव जिहाद ना हो पाए। सारी प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है कि सारी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, ठीक है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा और 2027 तक उन्होंने कहा पूरा का पूरा लागू हो जाएगा हमारे देश में और नोटिफाई भी किया जाएगा, डिजिटल करने के बाद में नोटिफाई भी किया जाएगा कि हाँ ये आपका चीज़ प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है सारी, ठीक है। 2027 तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूरा मतलब कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि तलाशी के दौरान अगर पुलिस तलाशी लेती है तो या कोई तलाशी लेने आता है घर पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी कोई ऐसा ऑर्डर उनको मिलता है जब, तो वो तलाशी लेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, बिना वीडियोग्राफी के तलाशी नहीं ले पाएगा कोई। और यौन अपराधों में पीड़िता का बयान जरूरी होगा, ऐसे और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। देखने के लिए मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी पे बने रहिए, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो और बेल आइकन को